कहीं दूर किसी गैलेक्सी में प्लैनेट ऑफ द केप्स पे अदर फ्रूट जूस पीते हुए लवर बॉय को अचानक फोन आया। हाँ बेबी, अरे हम जरूर जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड पर जरूर जाएंगे। अरे चलो चलो, मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरे स्पेस शटल निकलने वाला है। वो तुम्हारी स्पेस शटल थी? कोई नहीं, दूसरी मिल जाएगी। वो आखिरी स्पेस शटल थी क्या? ये सुनके लड़का पैनिक हो गया, लेकिन एलियन ने अपने जेब में ही एक स्पेसशिप छुपा रखी थी। ये इसमें मैं कैसे घुसूंगा? चलो दिखाता हूँ। ये कह के एलियन ले गया लड़के को इंटरगैलेक्टिक टेक्नोलॉजी रूम में, जहां उसने छोटी स्पेसशिप को ह्यूमन साइज बना दिया और लड़का उसमें आसानी से घुस गया। जर्नी स्मूथ जा रही थी। इंटरगैलेक्टिक रेडियो स्टेशन के गानों पे टीवी हेड और लड़का ग्रूव कर रहे थे कि अचानक टर्बुलेंस में खटारा स्पेसशिप खराब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लड़का उतरा और वहां उसको मिला देवदास वन, जो अभी भी वही घिसी पिटी डायलॉग बोल रहा था। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन आएगा जब ये लोग कहेंगे कि दुनिया ही छोड़ दो, तो छोड़ दी और बना ली अपनी दुनिया। वैसे तुम हो कौन और यहाँ पहुंचे कैसे? मैं भी अपनी पारो से मिलने जा रहा हूँ, पर ये मेरा स्पेस शटल खराब हो गया। मुझे पता है तुम्हारे स्पेस शटल को क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें जो चाहिए उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरी दारू छुड़वाने का इलाज, दूध। मुझे भैंस का दूध लाके दो। भैंस दूध? With all due respect दिलीप जी, आप सब बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ओके ओके, लेके आता हूँ। देवदास वन के लिए वो दूध लाने गया और उसको मिली एक तालाब में भैंसे, और उनको निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन मेहनत करके उसने एक ग्लास भैंस का दूध देवदास वन के लिए लाया, जिसके बदले में उसको मिला खटारा स्पेसशिप का पुर्जा। ये लेके उसने अपनी जर्नी फिर से शुरू की, लेकिन इंटरगैलेक्टिक टर्बुलेंस के कारण वापस उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंड करके जब वो यहाँ वहां भटक रहा था, तब उसको वहां मिले देवदास टू। अरे तुम यहाँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ कैसे? मेरी स्पेसशिप खराब हो गई है। तुम्हारे स्पेसशिप का जरूरी पुर्जा मेरे पास है, क्या आप मुझे पुर्जा दोगे? ये सुन के देवदास टू डायलॉग भूल गए और हंसे। डीआईवाई लड़के ने खुद ही फिगर आउट कर लिया कि उसको आगे क्या करना था। उछल कूद करके उसने पुर्जा पा ही लिया और अपनी खटारा स्पेसशिप में निकला, जो देख देवदास टू स्ट्रेंजली खुश हुए और अपनी सिग्नेचर पोज में खड़े हुए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, आई कैन स्टिल मेक इट यार। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे यार, मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे बारे में इतना केयर करती है, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर के बारे में, मेरे बारे में, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या फील कर रहा हूँ, वो सब समझती है मुझको। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। फुटेज खा के डायलॉग खत्म हुआ, लेकिन तब तक इंटरगैलेक्टिक टर्बुलेंस वापस आया और इमरजेंसी लैंडिंग करके लड़का किसी बंगले के बाहर खड़ा था, जहां से निकले तीन मुगल बादशाह। कमबख्त, नामकुल, बदतमीज, वो जो सामने दीवार देख रहे हो उसके पीछे अनार गली है, और उसके गले में है तुम्हारे स्पेसशिप का एक जरूरी पुर्जा। लेकिन उस दीवार को तोड़ने से पहले तुम्हें हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जाओ कर लो तैयारी। तैयारी करके लड़के ने बादशाहों के सारे सवालों का जवाब दे दिया, जिससे बादशाह काफी इंप्रेस हुए और उससे बोले, आप अगर चाहें तो वो दीवार भी तोड़ सकते हैं, आपको अपने स्पेसशिप के लिए जरूरी औजार भी मिल जाएगा। असली आशिक की तरह अपने प्यार के बीच की हर दीवार लड़के ने तोड़ दी, और अनारकली के स्केलेटन में से चाबी लेके वो सीधा गया अपने स्पेसशिप और ड्राइवर के पास, और फाइनली
अपने प्यार की ओर निकल ही गया।